हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बैंकिंग शेयर के बारे में। प्राइवेट बैंक है और बहुत ही शानदार बैंक है, अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है हमें मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। ये बैंक जो है एचडीएफसी, कोटक, महिंद्रा जैसा रिटर्न हमको लॉन्ग टर्म में बना के दे सकता है। तो इस स्टॉक के सबसे पहले जो है फंडामेंटल्स देखने वाले हैं, उसके बाद जानेंगे नाम और चार्ट पर देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट जो है बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये स्टॉक जो है लगातार एक ही प्राइस पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर वहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये स्टॉक जो है बहुत आगे जाने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी है। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और पूरा जो है डिटेल से देखिए, हर वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से फंडामेंटल्स पता चल सके। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ आगे से स्टॉक की ये फंडामेंटल है वहां पर तो नजर डालते ही नहीं है, सीधा स्किप करके स्टॉक का नाम देखते हैं और बाइंग पोजीशन बना लेते हैं और फिर लॉस होता है तो आप फिर जो है चैनल को ब्लेम करते हैं। तो आप जो है फंडामेंटल्स पूरे देखिए, खुद से भी रिसर्च करें और उसके बाद जो है डिसीजन लीजिए तो आपका स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा। बाकी जो है लक के भरोसे पे रहोगे तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जीरो होते हुए देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर अच्छे से अच्छा पैसा बन सकता है लेकिन जीरो भी पैसा होने में देर नहीं लगता अगर आपकी सही प्लानिंग ना हो तो। तो सबसे पहले ब्रीफ में देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप देखिए 29,531 करोड़ का है, करंट प्राइस 691.25 रुपए का चल रहा है, 52 वीक हाई जो बनाया 716 रुपए का, 52 वीक लो बनाया 438 रुपए का। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 0.30% का है, फेस वैल्यू 10 की कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो बैंक का ज्यादा ही होता है और कैश अमाउंट जो पड़ा हुआ है 6,264 का, प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, प्लेज परसेंटेज भी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बताता हूं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट की, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके का रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो आप देखिएगा, यहां से देखिएगा दिसंबर क्वार्टर से देखें तो 1638 यानी कि 1638 करोड़ से 1834 करोड़ का नेट सेल्स हुआ है, यानी कि सेल्स बढ़ा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे तो सेल्स बढ़ा है, अदर इनकम भी बढ़ी है और टोटल इनकम अगर देखें तो 2012 करोड़ से 2243 करोड़, तो टोटल इनकम भी बढ़ा है। उसके बाद मेन चीज जो हमें देखनी है वो देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 947 करोड़ से 1046 करोड़ का, ये भी बढ़ा है। एबिटा भी देखिए आप 1321 करोड़ से 1455 करोड़ का, तो ये भी बढ़ा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर देखिए 385 करोड़ से 447 करोड़ का हुआ है और रिपोर्टेड पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा टैक्स चुकाने के बाद जो है बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ है तो 225 करोड़ से 247 करोड़ का, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखेंगे तो 178 करोड़ से 247 करोड़। तो बैंक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, तो ग्रोइंग कंपनी में अगर पैसा लगाते हो तो आपका पैसा जो है जरूर बनने वाला है। अब हम देखते हैं इसके ईयरली रिजल्ट किस तरीके के रहे हैं। ईयरली रिजल्ट देखें तो आप देखिए मार्च 2018 से मार्च 2019 का अगर देखें तो नेट सेल्स देखिए 4,507 करोड़ से 6,300 करोड़ का हुआ है, अदर इनकम देखें तो 1,068 करोड़ से 1,442 करोड़ का हुआ है, ये भी बढ़ा है, और टोटल इनकम भी अगर देखेंगे तो 7,743 करोड़ का हुआ है। तो सब कुछ जो है बढ़ा हुआ है और लगातार देखिए कंपनी जो है बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, सेल्स लगातार बढ़ रहा है और जिस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा लगातार उस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। आप देख लेते हैं इसका, आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,639 करोड़ से 3,618 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। एबिटा भी देख लीजिए आप 3,707 करोड़ से 5,060 करोड़ का, ये भी बढ़ा है। उसके बाद आप देख लीजिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर देख लीजिए 999 करोड़ से 1,507 करोड़ का हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 635 करोड़ से 866 करोड़ का। आप देखिए इसका मैं आपको बताता हूं, मार्च 2015 से रिजल्ट अगर देखें अगर तो 207 करोड़, फिर 292 करोड़, 446 करोड़, 635 करोड़ और 800
66 करोड़। तो ये कंपनी को लिस्टेड हुआ भी अभी एक साल ही हुआ है और ऐसी फेज में अगर कंपनी में आप पोजीशन बनाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। अब मैं आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है। उससे पहले आप स्टॉक का जो है नाम जान लीजिए। स्टॉक का नाम है RBL बैंक, प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छा बैंक है, ग्रोइंग बैंक है और बहुत अच्छा जो है रिटर्न आपको बना के देने वाला है। 692 रुपए करंट प्राइस चल रहा है और 4.25 रुपए जो है डाउन था पिछले सेशन में। FIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग घटा दी है और अदर DIs ने भी होल्डिंग घटा दी है। 28 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, 191 FIs का पैसा लगा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको मेन चीज इसकी चार्ट पर किस तरीके से हम जो है बाइंग पोजिशन बना सकते हैं स्टॉक में। तो चार्ट पर अगर आप देखिएगा तो देखिए RBL बैंक मंथली चार्ट पर जो है मैंने लगा कर रखा हुआ है और आप देखिए ये कैंडल जो है, एक कैंडल जो दिख रही है वो आपको एक महीने की कैंडल है और जो एक ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वो जो है इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कहां पर फेस कर रहा है वो आप देखिए, ये एक महीने की यानी कि एक फिर ये दो ये तीन और ये चार, लगातार चार महीनों से ये 692.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहां पर इस स्टॉक का आ रहा है रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पर। अगर इस महीने में अगर इस स्टॉक ने 692.5 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए ये स्टॉक यहां पर क्लोज हो रहा है, कैंडल यहां एंड हो रही है, तो यहां पर जैसे इसने जो एक क्लोजिंग दे दी अगर इस महीने के अंदर 692.5 के ऊपर, तो ये स्टॉक जो है बहुत तेजी से जाने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो हो सकता है यहां से गिरावट भी आ सकती है वापस, तो आपको एग्जैक्ट किस लेवल पर एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है आपको 626 रुपए पर जो है एंट्री करनी है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, ये मैं 626 पर एंट्री जो करनी है वो एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग जो है यहां से 691 से जो है SIP करना चालू कर दीजिए और 626 रुपए पर जब आए तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कीजिएगा इस स्टॉक के, तो आप इजीली 5 शेयर हर महीने जो है बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक बहुत अच्छा है, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक जैसा रिटर्न बनाने का ये स्टॉक जो है पोटेंशियल रखता है। ग्रोइंग स्टेज में आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, आप सुनते ही होंगे विप्रो में उस समय 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज इतने करोड़ होते, तो ये भी कुछ इस तरीके का ही बैंक है। एक साल ही हुए लिस्टेड हुआ है और इसने एक साल में 36% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है और आने वाले टाइम में इसी तरीके का रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखता है। तो आप लोग जो है अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। तो आप लोग जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और जो है खुद से भी रिसर्च करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में उनको भी पता चल सके। थैंक यू।